नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी पीएससी एजी 6 सेमेस्टर का जो कल पेपर है वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का है। तो उसके टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके बीच में लेके आ चुका हूँ, तो वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो पूरा वॉच करना और शुरू से लेके अंत तक बने रहना। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, CFTRI कहाँ पर स्थित है। CFTRI ये कहाँ पर स्थित है बच्चों? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आई नहीं बना है, आई आप लोग और बना लीजिए, अब हो गया। पूरा क्या होता है ये CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर बच्चों है? मैसूर कर्नाटक, सोनीपत हरियाणा, दोनों कोई में। तो मैसूर कर्नाटक यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, मैसूर कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों ये स्थित है सोनीपत हरियाणा में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों प्रश्न, दोनों क्या ये चार प्रश्न हैं, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षा में आते हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? सोनीपत हरियाणा में। इसी को अपन लोग बच्चों क्या बोलते हैं, इसी को बच्चों निपटेम, इसी को क्या बोला जाता है, निपटेम, NIFTEM, निपटेम के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर FPO ये कब पास किया गया बच्चों? 1955 में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अपीडा, अपीडा का पूरा नाम क्या है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपीडा का पूरा नाम बच्चों है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये नई दिल्ली में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको याद कर लेना चाहिए। कैनिंग के पिता किसको बोलते बच्चों? निकोलस अपर्ट को। जो निकोलस अपर्ट हैं इनको कैनिंग के फादर के नाम से जानते हैं, और जो कैनिंग यानी जो डिब्बाबंदी है बच्चों, जो डिब्बाबंदी है ये मटर में करी जाती है, ठीक है ना। तो डिब्बाबंदी के जनक कौन है? निकोलस अपर्ट। कैनिंग को जो है अपर्टाइजिंग के नाम से भी जानते हैं, कैनिंग को बच्चों अपर्टाइजिंग के नाम से भी जानते हैं। क्या? अपर्टाइजिंग, कैनिंग को अपर्टाइजिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पैक्टिन की अधिकता किस फल में ज़्यादा पाई जाती है? वो कौन सा फल है जिसमें पैक्टिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है? तो अमरूद में पाई जाती है पैक्टिन की मात्रा ज़्यादा, ठीक है ना, लगभग 0.5 से 1% तक पाई जाती है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि जेली बनाने के लिए फल में पैक्टिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.5 से 1% तक होनी चाहिए। पैक्टिन की मात्रा को मापते किससे बच्चों? तो जेली मीटर से। जेल मीटर से पैक्टिन कंटेंट किसी फल में मापा जाता है, किससे? जेल मीटर से। अगला प्रश्न हमारा कार्डियल, कार्डियल एक प्रकार का प्रोडक्ट है जो कि नींबू वर्गीय फलों से बनाया जाता है। सीधा प्रश्न आएगा कि कार्डियल किससे बनता है? नींबू वर्गीय फल में जैसे नींबू हो गया, संतरा है, मौसमी, माल्टा, चकोतरा, यही कोई ना कोई ऑप्शन में होंगे, ठीक है। चलिए, सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता बेटा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसिटिक अम्ल। जो हमारा विनेगर है, जो सिरका है, इसमें जो है एसिटिक अम्ल की अधिकता पाई जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। टमाटर केचप में कुल घुलनशील ठोस की मात्रा कितने प्रतिशत होती है बच्चों? 25%। जो टमाटो केचप है इसमें 25% क्या पाया जाता है? TSS यानी टोटल सॉल्युबल सॉलिड, जिसको कुल घुलनशील ठोस के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, टमाटर केचप बनाने के लिए परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? अगर आपको टोमेटो केचप को बनाना है तो प्रिजर्वेटिव के रूप में आप किसका यूज़ करेंगे? सोडियम बेंजोएट। और सोडियम बेंजोएट बच्चों क्या पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल। सोडियम बेंजोएट में जो है बेंजोइक अम्ल की अधिकता होती है, तो बेंजोइक अम्ल भी या फिर सोडियम बेंजोएट ऑप्शन में आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा,
मुरब्बा यानी प्रिजर्व, मुरब्बा यानी प्रिजर्व में कुल घुलनशील ठोस की मात्रा कितने प्रतिशत होती है बच्चों? तो 70%। सबसे अच्छा मुरब्बा किससे बनता है? आंवला से। बेटा ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सबसे अच्छा मुरब्बा यानी जो प्रिजर्व है वो किस फल से बनता है, तो आपको आंसर देना है आंवला, ठीक है, आंवला से। अगर आपसे यही पूछ दे कि सबसे अच्छी कैंडी किससे बनती है, आपसे पूछ सकता है कि सबसे अच्छी कैंडी किससे बनती है, तो ज़्यादातर ऑप्शन में बेर मिलता है, अगर बेर ना मिले तो आंवला आप टिक कर दें जब ऑप्शन में आ जाए, ठीक है। प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि सबसे अच्छा जैम किससे बनता है, तो जैम किससे अच्छा बनता है बच्चा? सेब से। फिर पूछ सकता है आपसे कि जैली सबसे अच्छी किससे बनती है, तो आपको आंसर करना अमरूद, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एफपीओ के अनुसार यानी फूड प्रोडक्ट आर्डर 1955 में कब पास हुआ था? 1955 में। यानी फूड प्रोडक्ट आर्डर के अनुसार जैली में कुल घुलनशील ठोस की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो TSS 65% होना चाहिए। TSS की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 65%। और फल का अंश कितना होना चाहिए? 45%। तो एफपीओ के अनुसार जैली में 65% बाई TSS आना चाहिए और 45% फल का अंश होना चाहिए। 14 नंबर, जैली बनाने के लिए फल कैसे होने चाहिए? तो फर्म राइप फ्रूट्स होने चाहिए, सख्त पके हुए होने चाहिए बढ़िया से फल, ठीक है। फल में पेक्टिन की कंटेंट कितना होता है? तो 0.5 से 1% होता है। जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, जो अमरूद है, इसमें पेक्टिन की मात्रा कितनी है? 0.5 से 1% तक होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, जैली के अंतिम बिंदु का निर्धारण कैसे करेंगे? मान लीजिए आप जैली बना रहे हो और जैली बनकर कैसे तैयार हो जाए हम कब जानेंगे? जैली हमें क्या दर्शाता है, क्या इंडिकेट करे हम समझ जाएं कि जैली हमारी कंप्लीट यानी बनकर तैयार हो चुकी है? तो एक होता चादर परीक्षण, मतलब एक चादर रूप में जम जाए जैली बढ़िया से। दूसरा हम तापक्रम देखते हैं, जैली अगर बनती है उस समय तापक्रम अगर 105 डिग्री है तो समझ लेना चाहिए कि जैली कंप्लीट बन चुकी और अच्छी है। बूंद परीक्षण, जैसे मान लीजिए इस पात्र में जैली, आपने पानी की बूंद डाली और बूंद तली पर बैठ जाए तो उसको बोलते हैं बूंद परीक्षण। रिफ्रैक्टोमीटर से भी आप जान सकते हो, अगर जैली की अंतिम बिंदु पर रीडिंग 68 आ जाए रिफ्रैक्टोमीटर की तो समझ जाना चाहिए कि जैली बन के तैयार हो चुकी है। अगर आपने 1 किलो जैली बनाई है, आपने 1 किलो फल लिया है, तो उस जैली कितनी बनेगी? 1.5 गुना। 1 किलो फल मतलब जो जितना भी आप मात्रा ले रहे हो उसका 1.5 गुना जैली बनती है, सीधी सी बात है। जब जैली बच्चों बनाए जाते हैं उस समय कुछ समस्याएं आती हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो आप लोग जैली की समस्याएं जैसे सिनेरेसिस और बीपिंग जैली। तो बच्चों बीपिंग जैली का कारण क्या है? अम्ल की अधिकता, अपर्याप्त पेक्टिन, चीनी की बहुत कम मात्रा का प्रयोग, या फिर सारे ऑप्शन सही हैं। जब जैली बनाई जाती है तो मतलब जैली जमती नहीं, जैली पानी की तरह बहती हुई प्रतीत होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो ये सभी होते हैं, डी ऑप्शन राइट है। जैली जमती क्यों नहीं है? जैली जमती क्यों नहीं बच्चों? अम्ल की कमी से, पेक्टिन की कमी से, या अधिक समय तक पकाना? तो ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैली के ना जमने पर। दुधली जैली का कारण क्या है बच्चों? दुधली मतलब बादलों की तरह क्लाउडी बनती है जैली, तो बिना छानी रस का प्रयोग, अगर बिना छानी रस का आपने प्रयोग कर दिया तब भी समस्या आ सकती है। और आप में इमैच्योर फ्रूट्स अगर सेलेक्ट करें हैं जैली बनाने के लिए तो भी समस्या आ सकती है। और जैली को अगर आपने बहुत ज़्यादा देर तक पकाया है तब भी यह समस्या आ सकती है। तो सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा अगला प्रश्न है कि मार्मालेड एक प्रोडक्ट है जो कि बनाया किससे जाता है? नींबू वर्गीय फलों से बनाया जाता है, नींबू वर्गीय फल के जो छिलके होते हैं उनसे बनाया जाता है, ठीक है ना, मार्मालेड। और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि फलों के गूदों से बनाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? कौन सा पदार्थ है जो फल के गूदे से बनाया जाता है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैम है, ठीक है ना। बाकी एक और वीडियो लेके आएंगे पार्ट टू, ये आज की क्लास का पार्ट वन है। अभी कुछ समय पश्चात पार्ट टू आएगा और एक वीडियो पहले अपलोड कर दी हमने थी। तो इस प्रकार से 3 से 4 पार्ट में पूरा पोस्ट हार्वेस्ट का जो पोर्शन है आपका
पूरा कंप्लीट करा देते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप 30 रुपये पे करके मुझसे नोट्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और नंबर हमारा एक बार पुनः आप लोग देख लीजिएगा, 81 15 42 55 21। नोट्स संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी, हस्तलिखित नोट्स आपको मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, इसलिए नोट्स आप लोग परचेज कर लीजिए। प्राइस 30 रुपये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।